फिलहाल इधर क्या चल रहा है? मतलब 1 month से चल रहा है। 1 month से रनिंग हो रहा है मतलब। ओह माय गॉड, देखिए रास्ते में कैसे खड़ा है, अगर मूत रहा है बढ़िया के चक्कर में मेरा कुछ हो ना जाए। यहाँ पे पुलिस है तो हैवी रिएक्शन के साथ मैं जा रहा हूँ आगे। सामने पुलिस का अड्डा भी बैठता है इसी समय में। 15,000 के नीचे नहीं बजट पकड़ेगा। तो गाइस पिछली बार की तरह मैं फिर से अपना हॉस्पिटल रूट होकर गुजर रहा हूँ। पिछली वाली वीडियो में कमेंट किया था दो बंदे ने, मुझे बहुत अच्छा लगा कमेंट पढ़ के, इसी तरह सपोर्ट करते रहना। आज मैं जा रहा हूँ हमारे गांव की साइड से टाउन की तरफ जाने वाला हूँ। तो अभी हमारे घर के सामने से पास से गाड़ी, पुलिस का गाड़ी गया। ओ शिट यार क्या हो गया ये, तो डायरेक्ट मेन रोड होकर नहीं जा सकते क्या? है कि आप लोगों को पता है, मतलब पिछली वाले वीडियो जो देखा था उन लोगों को पता है कि फिलहाल तो मेरा गाड़ी का नंबर प्लेट नहीं है, खो गया है कहीं पे गिरकर। तो उसके बाद ही मैं गाड़ी को मेन रोड पर उठा सकता हूँ, तो फिर से आज कोशिश करूँगा। तो आज फिलहाल मैं गाँव की साइड से जा रहा हूँ टाउन। कल मैंने गया था, कल तो कोई दिक्कत नहीं आया, लेकिन पुलिस बहुत बार सामने पड़ा था, तो आज कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए यही उम्मीद है। तो कल मैंने इस बाइक का टेस्ट राइड आप लोगों को दिखा दिया था, नहीं देखा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आज मैं अकेला नहीं आया, मेरे साथ मेरा छोटा भाई भी आया है जो पीछे बैठा है। तो उसको दुकान उतारना है, कुछ लेना है उसको, तो उसके बाद ही हमारा राइड शुरू करेंगे। कोशिश करूंगा मेन रोड पे जाकर कुछ तबाही मचाने की। तो आप लोग वीडियो में बस बनते रहे और आगे देखते रहिए क्या क्या होता है। BMW पूरा रिएक्शन के साथ चल रहा है, पूरा तगड़ा वाला रिएक्शन। क्या लीन था सामने एक मार्केट भी है छोटा मोटा, लॉकडाउन का मार्केट है ये। इस रास्ते के बगल में बाइक खड़े रहे रखना मतलब बहुत ही दिक्कत हो जाता है। लोगों को ठीक तरह से रखना चाहिए ऐसा चीज को। मेन रोड पर थोड़ा बहुत तबाही मचाएंगे बिना नंबर प्लेट की गाड़ी। सामने इसका फ्रेंड का घर है, तो यह तो फिलहाल वही भी उतरेगा। तो गाइस इसका फ्रेंड मतलब फील्ड में है, खेल रहा है, बैट बॉल खेल रहा है। थोड़ा देख के आते हैं हम लोग भी कौन सा फील्ड में कैसे खेल रहा है। तो देख सकते हैं कितना ऑफ रोड है, आराम से पहुंच गए। तो इधर खेल रहा है, तो देख सकते हैं कितना जबरदस्त खेल चल रहा है। शख्स देख रहा है ये वाला, इसका फ्रेंड है। इधर ज़्यादा देरी नहीं करना चाहिए, लेकिन इधर ऑफ रोड भी बहुत बढ़िया है। कांच का टुकड़ा भी रह सकता है टायर पंचर होने के लिए। तो लोगों के घर के पीछे पीछे से आज हम लोग जा रहे हैं। रोड का रिएक्शन क्या होगा मुझे फिलहाल पता नहीं है, रोड पे जाने के बाद ही पता चलेगा। देखिए रास्ते पे कैसे खड़ा है, अगर मूत रहा है बहुत गलत बात है ये। यहाँ पे तो पुलिस का अड्डा रहता है हमेशा। आज क्या होगा फिलहाल पता नहीं है मेरे को, थैंक गॉड नहीं है आज, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। ओ माय गॉड, तो आराम से जा रहे हैं कोई बिना दिक्कत के, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज इतना लोग नहीं है, लेकिन बीच में गाड़ी आ जाता है, गाड़ी बहुत दिक्कत खड़ा कर देता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लेकिन इतना बढ़िया के चक्कर में मेरा कुछ हो ना जाए। इतना बड़ा ट्रक है भाई भाई भाई, ओ माय गॉड, सामने से मत आया ना कुछ। तो आराम से निकल पड़े हैवी रिएक्शन के साथ। आज इतना टाउन में भीड़ नहीं है जितना, लेकिन जितना भी है काफ़ी है। सामने भी पुलिस रहता है, देख कर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे है, यहाँ पे पुलिस है, तो देख सकते हैं आगे एक बहुत ही बड़ा मार्केट है हमारा यहाँ। यहाँ से दूर दूर तक अपना जो मार्केट का जो चीज़ होता है तो सप्लाई किया जाता है यहाँ से ही। ये ब्रिज बहुत ही ख़राब ब्रिज है, बार बार एक्सीडेंट ही होता है इधर, मतलब बहुत ख़राब ब्रिज है। मतलब छोटा है ना इस साइड जो छोटा है, तो इसलिए गाड़ी टकरा जाता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो फिलहाल हमें भी होश से जाना पड़ेगा, क्या है कि रोड के बीच में कहाँ से गाड़ी आगे घुस जाता है कुछ आता पता नहीं रहता है। क्या है कि यहाँ पर इतना ट्रैफिक नहीं रहता है, तो ट्रैफिक नहीं होने के वजह से यहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा हो जाता है। ओह नो यार, तो फिलहाल यही तो है हमारा एक बहुत ही बड़ा मार्केट, जहाँ से यहाँ से बहुत दूर दूर तक अपना जो मार्केट का जो चीज़ है तो चीज़ सप्लाई किया जाता है यहाँ से ही। तो रोड का रिएक्शन बहुत ही अजीब रहता है, तो आप लोग बिल्कुल ट्राई मत कीजिए। मेरा सेफ्टी के साथ आया हो, लेकिन आप लोग ऐसा घर पे बिल्कुल ही ट्राई मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है सामने। बहुत बढ़िया जाओ जाओ। तो हैवी रिएक्शन के साथ मैं जा रहा हूँ आगे। तो 90 हो गया है मेरा बाइक, देख सकते हैं आप लोग, बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पर ढाबा ही ढाबा है, तो देख सकते हैं आप लोग दूर दूर गाड़ी यहाँ पर आकर पार्क होता है। देख सकते हैं कई कितना सारा गाड़ी पार्क किया हुआ है, ना जाने कहाँ कहाँ से इतना दूर से आता है गाड़ी सब, तो यहाँ पे पार्क किया हुआ है। तो देख सकते हैं आप लोग इधर वेलपम भी है, ढाबा भी है, नाइट टाइम ढाबा भी है, लेकिन इस बस ने अपना काम बढ़ा दिया। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग इधर ढाबा ही ढाबा है और सामने इंडस्ट्री है हमारा। यहाँ आसाम का जो इस वाला लोकेशन है खरपिटिया का लोकेशन में कोई चीज का कमी नहीं है। जो एरिया देख रहे हैं एक समय में आर्मी कैंप हुआ करता था। तो आप लोगों को मैंने कहा था कि इधर एक अचार इंडस्ट्री है, मतलब अचार फैक्ट्री है, तो वो रहा अचार फैक्ट्री जो बिल्कुल बहुत बड़ा है हमारा यहाँ एरिया के हिसाब से बहुत बड़ा है, तो वो रहा अचार फैक्ट्री। तो मेरा इस बाइक बहुत ही साल पुराना बाइक है, लेकिन आज तक भी इस गाड़ी का 90 प्लस उठ जाता है कभी कभी, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मेरा पीछे जो बंदा आया है इसका फ्रेंड का घर है, तो फिलहाल राइट साइड जाना है। तो इधर एक हायर सेकेंडरी है, तो देख सकते हैं आप लोग हायर सेकेंडरी 12वीं का जो एग्ज़ाम होगा फाइनल एग्ज़ाम तो इधर ही होने वाला है। तो लगता है इधर कुछ फंक्शन वगैरह है, तो देख सकते हैं आप लोग खुशी का माहौल दिख रहा है मेरे को, फंक्शन वगैरह होगा शायद, बहुत ही धमाका होने वाला है, बहुत ही बड़ा ग्राउंड है। तो इस साइड से लेकर इस साइड तक ग्राउंड ही ग्राउंड है। फिलहाल इधर क्या चल रहा है? इधर डीपीएल चल रहा है। आज ही है क्या? नहीं, 1 मंथ से चल रहा है। 1 मंथ से रनिंग हो रहा है, मतलब गेम चल रहा है। खत्म कब होगा? 13 फरवरी। तो आप लोगों ने शायद सुन लिया होगा कि बहुत दिन से खेल चल रहा है इधर की, और चलते चलते एक बात मुझे पता चला है कि मैंने अभी तक आप लोगों का हाल चाल नहीं पूछा, कब से बगर बगर शुरू कर दिया हूँ। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक है। तो आगे देख रहे हैं क्या सूरज डूब रहा है, तो देख सकते हैं इसका नजारा क्या आ रहा है, औसम नजारा आ रहा है। तो ऐसा नजारा कभी कभी देखने को मिलता है। ओ नो यार, कितना गाड़ी है, कितना गाड़ी है, और शेट ऐसा गाड़ी में, मेरे को गाड़ी चलाने में बहुत ही मजा आता है रे बाबा। क्या नजारा है, क्या भाई घर के सामने क्या नजारा है भाई, तो क्या ही बोलूं। रास्ते में कभी कभी इतना अच्छा अच्छा व्यू देखने को मिलता जाता है ना, क्या ही बोलूं। ऐसा लगता है कि ये बाहरी का दुनिया है, ऐसा लग जाता है कभी कभी। देखिए इसके वजह से क्या अमेजिंग व्यू आ रहा है, देखिए लग रहा है कि ये बाहर का दुनिया है, आसाम से बाहर का दुनिया है ऐसा लग रहा है। अभी तो शाम ढलने वाला है और शाम ढलने के साथ साथ यहाँ का व्यू बहुत ही औसम व्यू आ रहा है। तो देख सकते हैं आप लोग सामने पुलिस का अड्डा भी बैठता है इसी समय में, तो हमें जल्दी जल्द इधर से चलना चाहिए। क्या है कि एक बार पकड़ लेगा तो कम से कम 15,000 के नीचे नहीं बजट पकड़ेगा। देखिए यार कैसे साइकिल काट लेता है सामने से, मानो कि छुपा बाइक चला रहा है। यहाँ पर गाड़ी का पार्ट्स एसेसरीज और प्लास्टिक वगैरह एसेसरीज मिलता है यहाँ पे। ऑफ रोड पकड़ लिया हमने, बहुत ही ख़राब ऑफ रोड है, पत्थर ही पत्थर है, पत्थर में गाड़ी चलाना बहुत ही दिक्कत बात हो जाता है। हमारे लिए ऑफ रोड ही ज़िंदगी माना जाता है हम लोगों का ब्लॉगर के लिए। ओह माय गॉड, गाड़ी से कुछ आवाज़ आ रहा है, शायद कुछ टूट गया होगा। उस साइड से जाता तो सामने पुलिस भी होता और थोड़ा दूर भी होता, लेकिन हमें इतना रिस्क नहीं लेना फिलहाल। और गाइस पिछली वाली वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही सारा प्यार दिया, आप लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ। क्या यार, कोई बात नहीं, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हम लोग इतना दूर तक जा सकते हैं। आप लोगों के सपोर्ट के सिवाय हमें और कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता है आप लोग दिल से सपोर्ट करेंगे। फिर से मैं कह रहा हूँ, अभी भी मेरा चैनल पर जो नया है सब्सक्राइब कर ले। और देख सकते हैं इधर ऑफ रोड कितना ख़राब है, मतलब एक ड्रेन के ऊपर से जाना पड़ता है, तो कितना ख़राब रास्ता है। हाँ, आराम से पहुँच गए। तो सूरज भी ढल चुका है, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो उसके साथ बहुत ही मज़ा आया। तो साथ में घर भी आ चुके हैं फिलहाल।